होटल जेडब्ल्यू मैरियट में कांग्रेस के साथ निर्दलीय विधायकों ने क्रिकेट की पिच पर अपना भाग्य अजमाया। इस दौरान तीन शेखावटी के दिग्गजों की चर्चा क्रिकेट की पिच पर अहम रही। जब गोविंद सिंह डोटासरा बैटिंग कर रहे थे और पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह गुर्जर बॉलिंग कर रहे थे, तो इसी दौरान डोटासरा ने उनकी बॉल पर शॉट मारा और शेखावटी के नवलगढ़ से विधायक और पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा ने उनकी बॉल को कैच कर लिया और गोविंद सिंह डोटासरा को बोल्ड कर दिया। जिसके बाद शेखावटी के इन तीनों दिग्गजों की चर्चा क्रिकेट की पिच पर अहम रही। वहीं महिला विधायकों ने भी बैडमिंटन खेला और कुछ विधायकों ने फुटबॉल के मैच का भी आनंद लिया। इस दौरान हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने लिया मैच का जायजा। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की ओर से विधायकों की बाड़ेबंदी की गई है। वहीं विधायकों को जिन होटल में रखा गया है, जेडब्ल्यू मैरियट होटल में रखा गया है, इस होटल में विधायकों को दिन भर कई प्रोग्रामों के जरिए बौद्धिक सेशन भी करवाया जाता है, तो इनका एंटरटेनमेंट सेशन भी रखा गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से आपको दिखाएं। ये जेडब्ल्यू मैरियट होटल है, यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के साथ निर्दलीय और बीटीपी के विधायक हैं उनको ये क्रिकेट के साथ ही फुटबॉल और बैडमिंटन का जो मैच है फिलहाल हो रहा है, फ्रेंडली मैच यहां पर रखा गया है। तमाम जो विधायक हैं वो अलग अलग, कोई क्रिकेट खेल रहा है तो कोई फुटबॉल का आनंद ले रहा है, तो महिला विधायक हैं वो बैडमिंटन का आनंद ले रही हैं। आप देख सकते हैं क्रिकेट की पिच पर जो कांग्रेस के विधायक हैं रफीक खान, वो फिलहाल बैटिंग कर रहे हैं और उनकी जोड़ी में है उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी और कांग्रेस के जो सह प्रभारी हैं काजी निजामुद्दीन, वो इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। तमाम विधायक हैं वो सीनियर हो या फिर जूनियर विधायक हो, तमाम क्रिकेट की पिच पर भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, साथ ही फुटबॉल का मैच भी यहां पर हो रहा है। कई सीनियर जो मंत्री हैं वो यहां पर आपको तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, विधायक हैं उनका जो एंटरटेनमेंट है वो यहां पर हो रहा है। शाम को विधायकों को छपाक मूवी दिखाई जाएगी, दिन में कार्यशाला आयोजित की गई, इसमें अर्थव्यवस्था पर, राजनीति पर, कांग्रेस की रीति नीति को, तमाम जो बातें हैं वो यहाँ पर विधायकों को सिखाई गई। आप देख सकते हैं फिलहाल जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अपनी जिस तरह से सियासी रणनीति, सियासी पिच पर अपना भाग्य आजमाते हैं, उसी तरह से क्रिकेट की पिच पर भी तमाम जो विधायक हैं, क्रिकेट की पिच हो, फुटबॉल हो, एंटरटेनमेंट के लिए भी यहां पर मैच खेले जा रहे हैं। शाम को इन विधायकों को छपाक मूवी है वो दिखाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो इस रिजॉर्ट में मौजूद हैं। राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे वो यहां पर मौजूद हैं। कल भी जब मैच हुआ तो मैच के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्रिकेट की पिच पर पहुंचे थे, फुटबॉल का उन्होंने शुभारंभ किया था। तमाम जो विधायक हैं वो यहां पर मौजूद रहे थे, फोटो सेशन यहां पर हुआ था और आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। तमाम विधायक हैं उनके साथ, वो भी इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर विधायकों को एंटरटेन के लिए ये मैच यहां पर रखा गया है। खेल मंत्री अशोक चांदना वो खुद क्रिकेट की पिच पर देखे जा सकते हैं। शाम को इन विधायकों को छपाक मूवी दिखाई जाएगी। दिन भर में कई प्रोग्रामों के जरिए विधायकों के बौद्धिक सेशन हो या एंटरटेनमेंट सेशन हो, इन विधायकों को किसी तरह से सियासी जो इस समय एक प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, जिस तरह कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए गए कि विधायकों की खरीद फरोख्त करने का प्रयास किया जा रहा है, किसी तरह का दबाव किसी विधायक पर ना रहे, पूरी तरह से इनका एंटरटेनमेंट यहां पर किया जा रहा है। और शाम को आज इन विधायकों को छपाक मूवी भी दिखाई जाएगी। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इन विधायकों के साथ मौजूद रहेंगे। कैमरा पर्सन यस माथुर के साथ दिनेश कसाना, A1 TV जयपुर। समय पर एक ब्रेक का है, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं।